पंजाब हुकूमत का मैरिज एक्ट में तरमीम का फैसला। लड़कियों को पिया घर सुधारने की उम्र बढ़ाने का फैसला। उम्र की हद 16 साल से बढ़ाकर 18 साल करने की तजवीज। महकमे बल्दियात ने समरी वज़ीर-ए-आला को अरसाल कर दी। शादी की तकरीबात में ज़ाब्ता इखलाक से तजावुज पर होगी कार्रवाई। सीपीओ मुल्तान की जानिब से दो लैंडलाइन नंबर जारी। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की इतला दी जा सकेगी। पंजाब हुकूमत का फंड्स मालियाती इदारों में रखने के हवाले से बड़ा फैसला। ज्यादा शरा मुनाफा करने वाले इदारों में फंड्स रखने की इजाजत। मरासला जारी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने हुकूमत से 85 करोड़ मांग लिए। फंड टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान के लिए मांगे गए। 20 करोड़ सिविल वर्क्स और 65 करोड़ सामान की खरीदारी पर खर्च किए जाएंगे। डीएचक्यू अस्पताल में सेहत के मसाइल का होगा खात्मा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का एहसन इकदाम। डीएचक्यू अस्पताल मुल्तान के जेर तकमील मंसूबे के लिए 5 करोड़ की मंजूरी। अस्पताल को तमाम जदीद तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। खानपुर आई अस्पताल के लिए 3.5 करोड़ से अपग्रेडेशन की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, जमील अहमद जमील का अजलास। स्पेशल एजुकेशन सेंटर सादिकाबाद को हाई स्कूल का दर्जा देने की भी मंजूरी दी। और जनूबी पंजाब सूबे का कयाम जरूरी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि माजी में जनूबी पंजाब के मसाइल को नजरअंदाज किया जाता रहा। जनूबी पंजाब में गुर्बत के खात्मे और तरक्की के लिए मिलकर काम करना है।